आइए बात हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4D क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की। मैंने आपको तीन एक्सरसाइज पहले करा दी हैं, तो अभी 4D है। कैसे करना है इसको? निम्नलिखित समीकरणों के पूर्ण वर्ग बनाकर इनके मूल ज्ञात करने हैं। मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब होता है, अगर इंग्लिश में कहोगे तो बाय द परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से जो है हम लोगों को करना है इसको। फैक्टर तो बनाने हैं लेकिन पहले इसका होल स्क्वायर बनाना है, फिर उसके बाद इसके जो है फैक्टर बना के और आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे, ये सारे क्वेश्चन एक एक डिटेल में सीखते हैं, तरीके भी कई सारे सीखेंगे और अच्छे से आप लोगों को 100% आएगा। अगर स्पीड तेज लगे तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लें। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए पहला करते हैं हम लोग, है ना। एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज है हमारी? 4D प्रश्नावली 4D, ठीक है। एक्सरसाइज 4D, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है क्या? पहले क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन है कि 6x² माइनस का 13x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। हम इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसको करने के लिए पहले अपना क्वेश्चन नोट करिए। आसान है करना, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी लॉजिक आपको पता होना चाहिए। देखिए 6x² 13x इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक, आगे इस पूरे का पहले हमको ए स्क्वायर बनाने के लिए इसको कुछ लिखना पड़ेगा। अब 6 तो किसी परफेक्ट स्क्वायर का कोई नंबर होता नहीं, तो इसको √6 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ होशियारी करने के लिए हम लोग दो स्टेप कर सकते हैं, मतलब दो तरीके हैं अलग अलग। एक तो 6 का इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ आगे ये सिंगल हो जाएगा। एक तरीका ये कि हम 6 का मल्टीप्लाई करा दें पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर अपने आप 36 बन जाएगा, तो वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यही वाला प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में नंबर थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन क्या करते हैं हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग द 6 ऑफ द बोथ साइड, है ना, इन द गिवन इक्वेशन, तो दोनों ओवर 6 का गुणा करने पर, दोनों ओवर 6 का गुणा करने पर, जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 36x² माइनस 178, ठीक है, एक्स और प्लस का 5x30 इक्वल 0। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसको बनाना है स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या 36 को 6x का होल स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। इसके बाद टर्म क्या रहा होगा, 2 into a into b। तो देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, 2 लिख दिया, इंटू ए की जगह पे कितना हो गया, 6x हो गया। अब इंटू 78 लाने के लिए यहाँ पर किस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो 12 तो ये है, 6 × 2 = 12, तो 78 में क्या करें यहाँ 12 का डिवाइड करें, ठीक है। तो 78 सही लिखा होगा, 78 में 12 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये पता चल जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में नंबर क्या था, उसी नंबर का मल्टीप्लाई करने में 78 आएगा। तो ये 2 से कट रहा, 2 × 3 = 9, ठीक है। और उसके बाद 2 × 6 = 3, 2 = 6, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 13/2 यहाँ पर क्या आएगा, 13 b की जगह पर क्या पता चल गया, 13/2। तो इसका मतलब 13/2 का होल ऑफ स्क्वायर का एक एडिशन होगा और 13/2 के होल स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन होगा, और प्लस का 30 था इक्वल 6। हम यहाँ रूट भी बनाकर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो उससे टफ लगता आपको, इसलिए मैंने सिंपल या 6 का डिवाइड करके भी कर सकते थे। उस अभी कुछ क्वेश्चन मैं उस तरीके से करा दूंगा, कुछ इससे तो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
अब देखिए इतनी चीज a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये बन गई 6x माइनस का 13/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये देखिए 30 प्लस का लिखा हुआ है और माइनस का ये कितना हो जाएगा 169/4=0। इसकी एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 120 माइनस 169=0, और इधर आगे जो चल रहा है वो चल रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसकी और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये हम लोगों के पास बचेगा केवल 49/2, वो भी माइनस का, ठीक है। और 6x माइनस का 13/2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया, इसको ये 4 है 2 नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। और क्या इसको 7 का स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 6x माइनस 13/2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल 0। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है हम लोगों का, क्या कि क्या कर सकते हैं इसको, इसको 6x माइनस 13/2 का होल ऑफ स्क्वायर और इसको माइनस का 7/2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। तो अब इस तरीके से इसमें क्या बन जाएगा, एक बार ये चीज़ प्लस में और एक बार माइनस में, कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये चीज़ हो जाएगी 6x माइनस का 13/2 और माइनस का 7/2, एक माइनस वाला ब्रैकेट पहले मैंने लिख दिया है और फिर एक प्लस वाला ब्रैकेट आप लोग बाद में लिख देंगे। प्लस वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 13/2 और प्लस का 7/2 इक्वल 0। अब अंदर क्या करेंगे, इसकी एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस के हैं, एलसीएम सेम है, तो ये 6x माइनस का 2 एलसीएम में होगा और 13 और माइनस का 7, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और इसके बाद देखिए इस तरीके की कैलकुलेशन में बच्चों को अक्सर माइनस और प्लस की साइन की प्रॉब्लम जरूर होती है, तो इसको कुछ इस तरीके से अगर करें कि माइनस का साइन हमने ले लिया पूरे से कॉमन, ठीक है, तो ये दोनों हो गए प्लस के, तो अब इस तरीके से इसको लिखना कुछ ज़्यादा सही है, ठीक है। ऐसे माइनस का साइन दोनों से पहले बाहर लिया तो ये दोनों प्लस के हो गए, फिर एलसीएम सॉल्व कर दिए। और इसके बाद यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का साइन जब कॉमन लेंगे तो ये 6x माइनस नीचे 2 और 13 माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है, ये इसके अंदर बच्चे यहाँ अक्सर गलती कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, 6x ये ऐड हो जाएगा तो माइनस का 20/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x 13 में 7 जाएंगे तो माइनस का 6/2 इक्वल 0, ठीक है। तो अब क्या बच जाएगा, यहाँ तो 10 हो जाएगा, 6x माइनस का 10 और यहाँ कितना हो जाएगा, 6x माइनस का 3=0, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो बाकी वह एक पुराना मेथड है, इसको 0 के इक्वल अलग कर देंगे और 6x माइनस 3 को 0 के इक्वल अलग कर देंगे। मैंने एक एक स्टेप तोड़ के लिखी है इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। 6x इक्वल टू 10 तो x इक्वल टू 10/6 और 6x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 3/6, 3 1 3 3 2 6 और 2 5 10 2 3 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5/3 और कॉम 1/2, ठीक, ये दो आंसर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन करें, इसको देखिए कुछ दूसरे मेथड से हल्का सा मैं बता दूंगा तो और एक मेथड भी क्लियर हो जाएगा। क्या सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3=0। तो अब इसमें क्या करते हैं, 2 का पहले डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, 2 का पहले डिवाइड कर देते हैं, पूरे में भाग कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं 2 का भाग देने पर, ठीक है, 2 का भाग देने पर, भाग
देने पर, दो का भाग देने पर। तो जब पूरी लाइन में दो का भाग दे दिया जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 7/2x हो जाएगा और प्लस का 3/2=0। हर एक में दो को भाग में दे दिया, इधर तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की अगर बात करें हम लोग, तो अब हमको होल स्क्वायर बनाना है, तो ए स्क्वायर फिर माइनस 2 into a, तो a की जगह पे तो अकेला x है, इंटू बी, तो b की जगह पे क्या रखा जाए कि ये चीज़ आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि 1 2 तो एक्स्ट्रा हम ले आए, तो 7/2 तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है, तो यानी नीचे 1 2 एक्स्ट्रा और लें तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तब सिर्फ 7/2 बचेगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, तभी तो 1 2 से 2 कैंसिल होगा और 7/2 बच जाएगा। तो इसका मतलब बी हमारे पास कन्फर्म हो गया, क्या बी कन्फर्म हो गया, 7/4। तो यानी 7/4 का एक बार स्क्वायर किया ऐड और उसी का एक बार स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, और प्लस का 3/2 और इक्वल 0। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद क्या होगा, इतनी चीज़ ध्यान से देखिए क्या बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गई। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का, तो माइनस का बना, सॉरी यहाँ पे प्लस का नहीं होगा, माइनस का 2a। ठीक है, वही आइडेंटिटी जो लग रही है वही लगाइए। इसके बाद ये क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर, और साथ में क्या बन जाएगा, माइनस का, तो माइनस मैं बाद में लिख देता हूँ, प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, 3/2, और माइनस का क्या हो जाएगा, 7×7=49, या पहले भी माइनस लिख दें तो माइनस फिर साइन कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर लिख दें ताकि प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम ना हो, तो 3/2 और 49/16=0। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस यहाँ से 16 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24-49=0। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे बन जाएगा कितना, हम लोगों के पास माइनस में वैल्यू बनेगी, x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर और कितना होगा, ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा 25, तो माइनस का 25 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 25/16। तो फिर पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके ही बन गया, 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर से लिखा जा सकता है, ये 5 का होता है और ये 4 का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया, अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में, प्लस वाला एक ब्रैकेट में माइनस वाला। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले माइनस वाला लिख रहे हैं कि प्लस वाला लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कर देंगे, x माइनस 7/4 और माइनस का 5/4 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 7/4 और यहाँ पहले मैंने माइनस वाला लिख दिया है, लेकिन अब माइनस वाला पहले लिखे हैं, प्लस वाला फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और प्लस का 5/4 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो ब्रैकेट में कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए थोड़ा अलग अलग जहाँ है ब्रैकेट उस हिसाब से ही बनाएं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x दोनों से माइनस का साइन कामन आ जाएगा और 4 एलसीएम हो जाएगा और दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 7+5 ये इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा और ये कर ली ब्रैकेट में। फिर इसी तरीके से इसमें होगा, ये माइनस का साइन दोनों से कामन आ जाएगा, तो x माइनस एलसीएम 4 होगा और 7-5 हो जाएगा, इससे माइनस हट जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और इससे तो ये माइनस का, ये कर ली ब्रैकेट पर। ठीक है, और इक्वल 0 तो चल ही रहा है क्वेश्चन में। फिर ये सॉल्व करके कितना हो गया, x माइनस 12/4 और x माइनस 2/4 इक्वल 0, तो x माइनस का 12/4 इक्वल 0 अलग हो जाएगा, x माइनस 2/4 इक्वल 0 अलग हो जाएगा, x इक्वल टू 4 3 जा तो कितना हो जाएगा, 3, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 4 तो 1/2। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या हो गई, 3 / 1/3।
ठीक है, तो दो आंसर आपके कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कैसा होगा, तो तीसरे में भी कुछ इसी तरीके से अगर करें या बिना ही उसमें हो सकता है हो जाए तो वैसे ही कर लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 4x² माइनस का प्लस का 16x और प्लस का 15 इक्वल 0। तो देखिए बिल्कुल आसान है, कैसे करना है आप पहले से देखिए, इसका होता है 2x², तो इसको यही कर लेते हैं हम लोग कि 2x का होल ऑफ स्क्वायर लिख लिया, फिर प्लस 2ab वाला जो टर्म होता है, तो ये जो x वाला है तो जैद से उधर 2ab आया होगा तभी तो x आया होगा, तो 2 अपने मन से फार्मूले का होगा, ए की जगह पे है 2x और फिर उसके बाद अब सोचिए यहाँ क्या होगा बी की जगह पे कि ये 16x आया होगा, तो 2 × 4x तो यहाँ पर 4 रहा होगा, कितना रहा होगा तभी तो 4 × 8 × 16x आया होगा, यानी बी की जगह कन्फर्म हो गई कि 4 है, तो यानी 4 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 4 का स्क्वायर क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और प्लस का 15 इक्वल 0। तो ये इतना क्या बन जाएगा आप लोगों का, अब ये इतना क्या बन गया यहाँ पर, ये आपका बन जाएगा कितना a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 2x, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है इसलिए प्लस का होल स्क्वायर ना 2ab वाले टर्म में, तो 2x प्लस b की जगह क्या काम कर रहा है 4, तो का होल स्क्वायर और माइनस का 16 हो जाएगा और प्लस का 15 इक्वल 0। ये बन गया कितना 2x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 1 इक्वल 0, तो 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अंदर नहीं ब्रैकेट बाहर रहेगा, ठीक है, इक्वल जीरो, ठीक है, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2x प्लस 4 प्लस 1 और 2x4 माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो 2x प्लस 5 इक्वल 0 और 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस जगह से आ जाएगा, एक तो आया 2x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल कितना हो गया माइनस का 5/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस का 3/2, तो इस तरीके से फाइनल आंसर क्या होगा, तो x इक्वल माइनस का 5/2 कॉमा माइनस का 3/2, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया और सॉल्व भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग अग्रसर हो गए, 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन 4 भी कुछ इसी तरह का है, एग्ज़ाम में जब आपको मेथड लिख के आता है कि इस मेथड से करें तो ही इससे करें, नहीं तो आपको जो इजी लगता है उसका यूज करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं इसी मेथड का ही यूज करें। अब इस क्वेश्चन को भी भाई परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो इसकी एलसीएम सॉल्व कर लें, तो क्या हो जाएगा ये x² और -1, एलसीएम में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1, प्रॉब्लम है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए और इसका इधर क्रॉस में इसका इधर क्रॉस में इक्वल, लेकिन मेथड तो सही है कि दोनों का एलसीएम लिखिए और एक का इसमें डिवाइड कीजिए जितने टाइम्स जाए उसका ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ लिखिए, फिर एक्स का डिवाइड कीजिए जितने टाइम्स जाए उसका ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पूरा टोटल अपॉन इस तरफ, टोटल अपॉन इस तरफ, ये इक्वल का साइन लगा है, तो क्या करेंगे इसके अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और ये क्या हो जाएगा x² - 1 = 3x, ट्रांसपोज कर दिया तो x² - 3x - 1 = 0। अब इसमें भी वही कंडीशन वही चीज़ करेंगे हम लोग, क्या परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, तो परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड में क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड में कि पहले क्या करें a² यानी x², फिर -2 × a और b की जगह क्या लिखेंगे इतना आ जाए, तो 3/2 लिखेंगे तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा 3 आएगा, तो इसका मतलब b की जगह 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और एक -3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और -1 = 0, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, इतना बन जाएगा x-3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और
माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का देखिए दोनों से ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 9/4 और ये हो गया प्लस का 1 इक्वल 0। ठीक, अब इसकी एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 4 / 4, पहले अपॉन में कुछ नहीं 1, दोनों का एलसीएम 4, फिर 4 से 4 में डिवाइड 1 का, और 1 का मल्टीप्लाई 9 में हुआ तो 9 आया, फिर प्लस का साइन, और 1 का 4 में किया डिवाइड तो 4 टाइम्स का, उस 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4, नहीं तो समझें ऐसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका क्रॉसेस में, इसका क्रॉसेस में लिख दिया साइन के साथ। ठीक है, और आगे जो चल रहा है वो लिखा हुआ इक्वल 0, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 9/4 = 13, तो एक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 13/4, ठीक है इक्वल 0। तो अब इसका होल स्क्वायर अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो 4 का तो 2 बन जाएगा लेकिन 13 का तो बनेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग 13 का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या कर देंगे जो है इसमें √13 लिख देंगे। तो इसी को हम लोग कैसे लिख देंगे, x इस तरफ मैं बगल में कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है इस तरफ कर देता हूँ, क्या है कि x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का √13/2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल 0। तो एक बार क्या कर देंगे इसको, x माइनस 3/2 और प्लस का √13/2 का होल स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे इक्वल 0। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसमें एलसीएम सॉल्व होगी तो देखिए माइनस का है, दोनों में एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी x, माइनस बाहर आ जाएगा अगर, ठीक है, या इनको आगे पीछे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि √3/2 को पहले लिख दें तो भी, लेकिन माइनस का साइन पहले कॉमन ले लीजिए दोनों से, ठीक है, तो अंदर 2 एलसीएम आ जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का √13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर भी x दोनों में माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो 3 - √13 इक्वल और कर्ली ब्रैकेट बंद इक्वल 0। तो इस तरीके से आपके पास दो ब्रैकेट बन गए, अब इनको कुछ ऐड वगैरह होना नहीं है तो अलग अलग जीरो के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो जब अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा, अलग अलग जीरो के इक्वल अगर करेंगे तो x माइनस 3 - √13/2 इक्वल 0 अलग करेंगे कॉमा x माइनस 3 - √13/2। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ प्लस होगा क्यों, क्योंकि जब दोनों से माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा और इक्वल 0। तो ये ब्रैकेट लगाना ना भूलें क्योंकि पूरे से माइनस का साइन कॉमन है, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - √13/2 और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 3 + √13/2। ठीक है, इक्वल 0 नहीं, सिर्फ दो आंसर हो गए। तो इस क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का हो सकता है, x इक्वल टू 3 + √13/2। तो बच्चे कन्फ्यूज ना हों, एक साथ मर्ज करके दोनों को मिला के मिक्स करके भी आंसर लिखा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 4x² + √3 और साथ में x + 3 = 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले से ही आपका क्वेश्चन जो है सिंपल बना हुआ है, बस पहचानने की देर है खाली। देखिए क्या इस 4 को 2x का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, और इसके बाद इस 3 को √3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आप ये नहीं दिमाग लगा पाते हो तो जो अपना मेथड है देसी, ठीक है, उसी का यूज करते हैं। पहले क्या करना है, a को बनाना है, कंप्लीट करना है, तो a का होल स्क्वायर बन गया, फिर उसके बाद प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, 2 × a × b। तो अब देखो जिसमें खाली x आ रहा है उस टर्म में 4√3 कब आएगा, तो यानी यहाँ b की जगह पर क्या रहा होगा, √3 रहा होगा, तो इसका मतलब हो गया कि √3 का स्क्वायर हमें ऐड करना है और √3 का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस का 3 जो चल रहा था वो चल रहा है इक्वल 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इतनी चीज़ तो क्या बन गई है, ये बन गई 2x + √3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा,
इसके बाद और जो इधर है तो माइनस का रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा और ये प्लस का थ्री, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल टू जीरो। तो कितना बच जाएगा, टू एक्स प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर, सिर्फ इतना ही बचा, यानी एक ब्रैकेट प्लस में, मतलब दोनों होल स्क्वायर है तो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, टू एक्स प्लस रूट थ्री एक ब्रैकेट में और टू एक्स प्लस रूट थ्री एक ब्रैकेट में इक्वल जीरो। तो टू एक्स प्लस रूट थ्री को इक्वल जीरो के अलग कर देंगे और टू एक्स प्लस रूट थ्री को जीरो के इक्वल अलग करेंगे, तो दोनों अलग अलग आंसर क्या हो जाएंगे, तो आंसर तो सेम ही आएंगे दोनों में, लेकिन करके तो दिखाना ही पड़ेगा आपको पूरा मैथड के साथ। तो एक्स इक्वल टू माइनस का रूट थ्री बाई टू, तो ये आंसर हो गए आपके, दोनों सेम रूट होंगे, क्या आएंगे, माइनस का रूट थ्री बाई टू और कामा माइनस का रूट थ्री बाई टू। ठीक है, इस तरीके से दोनों आंसर आपके सेम हो गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, सिक्स नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि फोर माइनस एक्स माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो। तो अब इसको कैसे करना है, पहले तो इसमें माइनस के साइन का क्या करेंगे हम लोग, गुणा करते हैं। ठीक है, माइनस के साइन का दोनों ओर गुणा करने पर, ये चीज़ आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो जब माइनस के साइन का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो इसको पहले लिख दिया, इसमें ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये कोई जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे अब हम लोग, इसमें चाहे जो लिख दें कि ऋण चिन्ह का दोनों ओर गुणा करने पर, चिन्ह ऋण इस चीज का, ऋण चिन्ह का दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है ना, इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, आप इतना जैसे पीछे हम लोग करते थे तो फाइव का इसमें क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हम लोगों के लिए, है ना। तो जब अगर फाइव का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पाँच से भाग देने पर, गलती कर दी माइनस के फाइव से डिवाइड कर देते तो सीधे लाइन एक बन जाती है, पाँच से भाग देने पर जो भी भाग दिया जाएगा दोनों तरफ बराबर के दिया जाता है, एक साइड नहीं किया जाता, ध्यान रहे हमें आप पूरी बात लिखनी चाहिए थी, पाँच से दोनों पक्षों में भाग करने पर। ठीक है, याद रखिएगा पाँच से दोनों पक्षों में। ठीक है, कंप्लीट लिख लीजिएगा, मेरा गलत लिखा हुआ है सेंटेंस। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जब भाग दे देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये वन बाई फाइव या एक्स बाई फाइव हो जाएगा और माइनस का फोर बाई फाइव इक्वल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का टू इंटू ए, अब सोचिए बी कैसे आया होगा यहाँ पर वन बाई फाइव, तो यानी वन बाई टेन रहा होगा, तो कट गया होगा तो वन बाई फाइव बच गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पर वन बाई टेन लेंगे तभी तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें यही लेना है। तो क्या करते हैं कि जो यहाँ पहले से लिखा है उसमें इसका डिवाइड करते हैं, तो अब वन बाई फाइव पहले से लिखा है उसमें टू का डिवाइड करेंगे तो ये इसी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वन बाई टेन होगा बी की जगह का। तो वन बाई टेन का होल स्क्वायर प्लस और वन बाई टेन का होल स्क्वायर माइनस और माइनस का फोर बाई फाइव इक्वल जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, इतनी चीज़ तो बन गई, एक्स प्लस वन बाई टेन का होल ऑफ स्क्वायर और इन दोनों से माइनस का साइन कॉमन आ गया तो हो गया वन अपॉन हंड्रेड और माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल जीरो। एलसीएम कितना आ जाएगा, प्लस हो गया, यहाँ दोनों से माइनस का साइन आ गया तो हंड्रेड एलसीएम हो गया कि वन और फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी हज़ार हंड्रेड है ना, बीस पन सौ या ऐसे बोल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, बीस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एट्टी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल जीरो, ये अलग हो गया और आगे जो चल रहा था वो चल गया। तो इस तरीके से क्या बन गया, एक्स प्लस वन बाई टेन का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एट्टी वन अपॉन हंड्रेड इक्वल जीरो। तो एक्स प्लस वन बाई टेन का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस नाइन अपॉन टेन का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टेन एक ब्रैकेट में प्लस के साथ दोनों को लिखिए और एक बार दोनों को माइनस में लिखिएगा। ठीक है ना, एक्स माइनस वन बाई प्लस में वन बाई टेन तो लिखा ही है, ये जो दूसरी चीज़ है माइनस का वन बाई टेन, हर एक स्टेप में आइडेंटिटी ज़रूर लिखें, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल जीरो, स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ पर। तो अब ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, इसके बाद इनकी तो एलसीएम सॉल्व होगी, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, चलिए यहीं पर कर देते हैं, इतनी छोटी जगह में तो हो जाएगा अभी एक लाइन, ये टेन एलसीएम आया तो ये वन प्लस नाइन हो जाएगा और ये एक्स प्लस चल रहा था, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा,
एक्स हो जाएगा और 10 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस का 9 और प्लस जैसे लिखा था इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर एक्स प्लस 10/10 एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स प्लस माइनस का 8/10 इक्वल 0। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 हो गया, ये 2 4 जार और 2 5 जार, तो ये कितना हो गया x माइनस का प्लस माइनस, माइनस का है तो इसमें कायदे से ब्रैकेट आपको पहले से ही लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद x माइनस 4/5 इक्वल 0, एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल अलग करेंगे, x माइनस 4/5 को 0 के इक्वल अलग करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल टू 4/5। तो इस तरीके से आपके दो आंसर हो गए क्या, x इक्वल टू माइनस का 5/4/5। ठीक है, ये कंप्लीट एक आपकी हो गई एक्सरसाइज। इसके बाद अभी एक्सरसाइज नहीं, अभी 7 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 1/x+4 और माइनस का 1/x-7 और इक्वल 11/13। ठीक है, और कॉमा लगा के ये लिख दिया गया है कि x डज नॉट इक्वल -4, 7। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ हम लोग कर रख लेते x की जगह -4 तो 0 हो जाएगा, तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन को कंडीशन जो है उसकी फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से बोला जाता है कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते इसके x के। ठीक है, अब कैसे करेंगे, पहले आपको एलसीएम तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले इसकी एलसीएम क्या आई, ये दोनों ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ मिल तो रहा नहीं है कॉमन, तो स्वयं दोनों को लिख लेंगे। ये ब्रैकेट कट गया तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको शॉर्टकट में समझ लेते कि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर इस ब्रैकेट का इस ये कट गया, तो अब इसका मल्टीप्लाई यानी -1 में, ये -1 में होगा, तो माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये 11/13 चल रहा था। अब ये एक्स से कैंसिल हो गया 4 और ये माइनस का 11 हो गया, नीचे मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7x और माइनस का 28 इक्वल 11/13। ठीक है, अब देखिए ये 11 बन जाए 11 कट जाएगा। ठीक है, मैंने यहीं काट दिया, मल्टीप्लाई से हम बच जाएंगे, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, सिंप्लीफाई होके माइनस का 1/ और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ये 4 में 7 चले जाएंगे, तो माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल 1/13। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका इधर, तो इसका इसमें जब कर दिया मैंने पहले, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और इसमें किया तो इक्वल माइनस का 30। ट्रांसपोज कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 इक्वल 0। तो ये 30 में 28 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बच जाएगा, 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 इक्वल 0। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले से ही ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पर क्या रहा होगा, तो 3/2 रहा होगा, तब तो 2 से 2 कैंसिल हुआ होगा। ठीक है, और तो प्लस 3/2 का ही होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का 2 इक्वल 0। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ इन दोनों से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये 9/4 और प्लस का 2 इक्वल 0 हो गया। तो एक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 9+8/4 एलसीएम से सॉल्व होकर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जिसके फॉर्म में कुछ नहीं, तो ये हो गया 17/x-3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 17/4 और इक्वल 0। तो 17/4 को हम क्या लिखेंगे, √7/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x-3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, दूसरे ब्रैकेट में था x माइनस नहीं था, उसमें अभी तो माइनस का साइन लगा है, √17/2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल 0। अब एक बार यही चीज़ माइनस में लिखेंगे और एक बार यही चीज़ प्लस में लिख देंगे। ठीक है, x-3/2 और प्लस का √17/2 इक्वल 0, तो ये एलसीएम सेम आ जाएगी और माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, तो 2 तो 3 प्लस का √17 हो जाएगा और कर्ली ब्रैकेट 1 और इसमें माइनस आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3-√17 और
ये कर्ली ब्रैकेट और इक्वल जीरो, तो x माइनस 3 प्लस रूट 17 बाई 2 इक्वल जीरो और x माइनस 3 माइनस रूट 17 बाई 2 इक्वल जीरो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, x इक्वल 3 प्लस रूट 17 बाई 2 और x इक्वल ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर है तो 3 माइनस रूट 17 बाई 2। इस तरीके से दो फाइनल आंसर क्या हो गए, 3 प्लस माइनस रूट 17 बाई 2। एक साथ लिख दीजिए या कामा करके अलग अलग लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा।